तो बोर्ड लगा दिए, बड़े तगड़े तगड़े बोर्ड लगा दिए और कसम डाल दी, 3 बार कसम डाली अनाउंसमेंट करके कि इस दुकान से कोई सामान न ले, अपने आप सामान नहीं खोलेगा दुकान बंद हो जाएगी, तो ये भाग जाएगा। अब बोर्ड लगा दिए हैं बहुत ज़्यादा, गुजराती बिरादरी है और बिरादरी करके सभी उनके हैं, हमारी कोई बात सुनाई नहीं होती है। पंचायत में कहते थे, पंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ, तो इसीलिए ये इन्होंने हमें 4 महीने हो गए रोटी से भी अत्थर कर दिया। तो ये आपके परिवार में कितने लोग हैं और कितने दिन से आप इस दुकान पे परेशान हैं, आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं? 4 महीने हो गए दुकान से कस्टमर नहीं आ रहा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम 4 लोग हैं। अभी गुजारा कैसे चल रहा है आपका? क्या आप ब्याज पर पैसे लेकर खा रहे हैं? मंदिर में कसम धरा दी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से सामान लेगा तो उसको 7 बकरे चढ़ाने पड़ेंगे। अब वो 7 बकरे कौन चढ़ाएगा? 35-40 हज़ार के बकरे गरीब आदमी गुजराती, वो चढ़ाने के डर से वो 1 रुपये का सौदा भी इनकी दुकान से नहीं लेता, तो वो बेचारे खाएंगे क्या? आप घर बैठे बैठे तो बच्चे भूखे मरने लग पड़े उनके, 4 महीने 6 महीने कम नहीं होते हैं। आप देखो इनसे कोशिश करके इनको समझाने की कोशिश करो कि कम से कम ये 4 गज की दुकान है तो बना के दे दें, वो भी खुशहाल हो जाएं, ये भी खुशहाल हो जाएं, कोई झंझट ही नहीं है। मगर वो एक लोभी लालची किस्म का इंसान है, इतना पैसा होने के बाद, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी एक गरीब आदमी को नहीं बख्श रहा है, ये पेट में मार रहा है उसके। यदि कोई आदमी जाने अनजाने में इनकी दुकान से कोई सामान खरीद लेता है, क्या उसको ये जो घर जाके धमकाते हैं? क्योंकि पैसे वाली पार्टी है, इनके लफंडर लौंडे रखे बदमाश हैं सब। क्या नाम है उनका और कौन है? वो अजीत, अजीत है कोई, गली के अजीत कुमार है, वो उसका केबल का काम है और कई प्रशासन काम है। तो अभी ये जो परंपरा है यहीं पर है या और जहाँ गुजरात है वहाँ भी कोई? नहीं, ये परंपरा सिर्फ यहीं पर है, इसी मंदिर में, गुजरात वगैरह में कहीं नहीं है। ये लोग जरा जरा सी बात पे हर बात पे कसम दे लेते हैं, आज हमें दी है, कल किसी और को भी दी है, कई लोगों को दी है ना कई बार, फिर वो जाके हाथ पैर जोड़ के मंदिर में इनसे माफ़ी मांगते हैं, माता के पास जाके माथा टेकते हैं, तब जाके ये लोग कसम तोड़ते हैं, अदरवाइज नहीं तोड़ते। तो इनके यहाँ पर रहते तो इनके रूल के हिसाब से चलना पड़ता है? हाँ जी, जैसे जैसे ये कहेंगे, अगर इन्होंने कहा कि भाई इस दुकान से इतने से बच्चे ने भी सामान नहीं लेना, 4-5 साल का बच्चा जो होता है तो वो भी आके दुकान पर सामान नहीं लेगा।